थैंक यू। आप लोग अभी भी एक्साइटेड हैं? एक्चुअली हम वो विंग्स का उधर से हम सोच रहे थे जो अभी क्या उल्टा होगा, क्योंकि ऐसा जब पिन रिकॉग्निशन हो रहा था ना, प्लैटिनम फाउंडर्स प्लैटिनम, तब हम देखा जो पूरा हॉल इधर आ गया है। हमने सोचा क्या अभी आप लोग इधर बैठेंगे, हम वहां से बात करेंगे। रियली व्हाट यू आर डूइंग, फैंटास्टिक फैंटास्टिक, वी आर रियली एक्साइटेड। गिव बिग हैंड्स टू योरसेल्फ एंड ऑल योर अपलाइंस, फैंटास्टिक। अभी क्या आप लोग कुछ सीखने के लिए तैयार है? दिस वॉज अवर फर्स्ट एवर BBS आफ्टर वी वेंट EDC, दिस इज द फर्स्ट वन। तो अभी रियली कुछ टीचिंग्स हम आपको शेयर करने के लिए तैयार है। आर यू रेडी? सो बेसिक थिंग, देखिए ए बिजनेस में हम लोग क्यों आए हैं, ए बिजनेस में जोड़ने का कारण क्या है? वी ऑल वॉन्ट टू मेक मनी, है ना? उसी के कारण तो ए बिजनेस में आए हैं। सो यू हैव टू नो एग्जैक्टली आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं। अलग अलग आदमियों के लिए अलग अलग होगा। यू फिगर आउट व्हाट इज, जैसे हम हमारा स्टोरी में हम बताया था जो माई रिक्वायरमेंट वॉज 10,000 rupees एक्स्ट्रा पर मंथ वे बैक इन 1998। यू फिगर आउट कितना, 20,000, 50,000, लाख, उससे भी ज्यादा, कितना पैसा आप कमाना चाहते हैं एवरी मंथ थ्रू दिस बिजनेस, ये आप पता कर लीजिए, क्योंकि अलग अलग आदमियों का अलग अलग रीजन होगा। गॉट इट? इसके बाद आपको ये भी डिसाइड करना चाहिए जो ये जो पैसा आप कमाने वाला है, ये पैसे से आप क्या अकॉम्प्लिश करेंगे, व्हाट टू नीड टू अकॉम्प्लिश, व्हाट यू वांट टू अकॉम्प्लिश थ्रू दिस मनी। जस्ट दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओ किसी को इंप्रेस करने के लिए कुछ बोलने का जरूरत नहीं है, आपका दिल का आवाज सुनिए, अब अंदर से क्या चाहते हैं। बाइंग ए नाइस हाउस, मे बी बाइंग ए नाइस कार, मे बी बाइंग सम नाइस ड्रेसेस, नाइस ज्वेलरीज, हाउ अबाउट दैट लेडीज लोग? अच्छा ज्वेलरी, मोटिवेटेड लगते हैं ना? सो आप ढूंढिए, किसी का हो सकता है चाइल्ड एडुकेशन, अच्छे स्कूल में अच्छे कॉलेज में आप पढ़ाएंगे, हो सकता है किड्स को हायर स्टडीज, आप उनको अब्रॉड भेजने चाहते हैं, उसके लिए पैसे का जरूरत है, हो सकता है सपोर्टिंग योर पेरेंट्स, क्योंकि आपके लिए जो भी कुछ किया है यू कैनॉट पे देम बैक, लेकिन आज उनका एज में आप अगर उनको अच्छी तरह कुछ सपोर्ट कर सकते हैं, दैट्स अ गुड आइडिया। हाउ अबाउट, आई डोंट नो, कलकत्ता में तो इधर गर्मी उतना ज्यादा चलते नहीं ना, कलकत्ता में गर्मी बहुत है, तो वी ऑल थिंक अबाउट हैविंग एन AC इन अ हाउस, हाउ अबाउट दैट? आई कैन टेल यू, डू यू नो, हम तभी नौकरी में थे और मेरा बचपन का एक ड्रीम अचानक हमको याद आ गया, हम आपको शायद शेयर करेंगे। तो बचपन में हमारा दो ड्रीम था, एक था बड़ा होके हम ओ गुड्स मालगाड़ी उसका ड्राइव गार्ड बनेंगे, मालगाड़ी का जो गार्ड का डब्बा होता है ना एकदम पीछे, कितना बढ़िया सा एक बैलकनी होता है उसमें, और कहां रुक जाते हैं, कब कहां पहुंचेंगे किसी को पता नहीं है, नॉस्टैल्जिक लगते हैं, है ना? तो ओ गार्ड का हम एक नौकरी लेंगे, डब्बा में हम रहेंगे, दैट वॉज वन ड्रीम। और ऐसा एक ड्रीम बनाया था जो हम ऐसा एक नौकरी करेंगे जिधर हमको 6 महीने विंटर के टाइम हम कलकत्ता में रहेंगे और समर के टाइम दार्जिलिंग में रहेंगे, क्योंकि गर्मी हमको एकदम पसंद नहीं आता है। तो ए बिजनेस देखने के बाद इन आवर इनिशियल ड्रीम्स आई हैड ए ड्रीम ऑफ हैविंग एन AC इन माई हाउस। कब तक हम नौकरी करते हैं 15% लेवल में है, क्या किया था हम तो सिविल इंजीनियर है, हमारा एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर दोस्त को लेके उल्टा ऑफिस में चला गया था, वहां से उनका जो भी कुछ मैनुअल्स ब्रोशर्स जो भी कुछ मांगा था, क्यों नेक्स्ट ईयर हम एक AC खरीदेंगे, इट वॉज माई ड्रीम, नोबडी कैन स्टॉप इट। सो दैट्स व्हाई इन माई हाउस बोथ ऑफ अस, माई सन स्टेज आउटसाइड, माई डॉटर एंड माई इन लॉज ऑल्सो, मेरा घर में 5 या 6 AC है इन डिफरेंट रूम्स, इवन इन गॉड्स रूम प्रेयर रूम उधर भी AC है, क्योंकि हमारा अगर गर्मी होता है कभी तो होना चाहिए, इसीलिए दादा ने सोचा उधर भी AC होना चाहिए। सो दैट्स ऑल अबाउट ड्रीम, यू फिगर आउट ए बिजनेस से। जब हम बिजनेस में एकदम पहला दिन
जब हम कैसेट सुनते थे तब तो सीडी नहीं आता था, कैसेट आते थे। एक कैसेट हमने सुना था, हिंदू प्रेयर सर्विस बाय कुलीन देसाई एंड डॉक्टर कांति गाला। किसी ने सुना है हिंदू प्रेयर सर्विस? ज्यादा आदमी नहीं है क्योंकि ये तो अभी नहीं चलते हैं, लेकिन आई वुड रिकमेंड टेक दैट सीडी। वो सीडी में भी अभी भी मिलते हैं, अदरवाइज यू कैन पुट ऑर्डर दैट सीडी। दैट कैसेट एक्चुअली चेंज्ड मी। उधर हम फर्स्ट टाइम सुना, जो आप जितना भी कमाएंगे उसमें यू हैव नो राइट इन 10% ऑफ योर इनकम। 10% ऑफ योर इनकम शुड ऑलवेज गो टू गॉड, दैट्स फॉर समबडी एल्स, दैट्स नॉट योर मनी। हमको बहुत अच्छा लगा। और उसी दिन से, जब हम फर्स्ट टाइम ये कैसेट सुना था, उस दिन से आज तक हम लोग जितना भी कमाया है वो 10% हम कभी भी टच नहीं किया है। दैट इज ऑलवेज सेपरेट, ऑलवेज डिफरेंट। और वो 10% रकम जब हम नौकरी छोड़ा था, हमारा जो टोटल ग्रॉस सैलरी होता था उससे बहुत गुना ज्यादा हो गया है ये 10% मनी। हाउ अबाउट दैट? ये बिजनेस हमको ऐसा डिसीजन लेने के लिए मदद किया है, जो आई हैव डन ए चैरिटेबल ट्रस्ट इन द नेम ऑफ माई फादर, रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट। और वो ट्रस्ट से मे बी नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ चैरिटेबल स्कूल। इट्स ऑल अबाउट ड्रीम, इट्स ऑल अबाउट ड्रीम। क्योंकि अच्छा लाइफ बिताने के लिए आपको कितना घर का जरूरत है, कितना कार का जरूरत है, कितना ज्वेलरीज का जरूरत है, कितना ड्रेसेस का जरूरत है, देयर इज अ लिमिट टू इट। एंड आई रियली, और एक सीडी के बारे में हम बताएंगे, एक कंकन भट्टाचार्य फाउंडर्स डायमंड, उनका एक सीडी में हम सुना था, ही हैड ए ड्रीम, ही हैड ए ड्रीम ऑफ लिविंग द बेस्ट ऑफ बेस्ट लाइफस्टाइल इन द वर्ल्ड विथ 10% ऑफ हिज इनकम। आपका इनकम इतना ज्यादा है जो उसका 10% मनी से यू कैन लीड द बेस्ट ऑफ द बेस्ट लाइफस्टाइल एंड 90% मनी ही विल गिव टू चैरिटी। व्हाट अ ड्रीम। दीज थिंग्स शुड मोटिवेट यू। इट्स ऑल अबाउट ड्रीम। जैसे हमने एक वीडियो देखा था प्रोफाइल कांति गाला का, प्रोस्पेक्टिंग सीडी डीवीडी। उधर हमने देखा जो यूएस में जब लड़का लड़की एडल्ट होते हैं, एट द एज ऑफ 16 आई थिंक दे गेट ड्राइविंग लाइसेंस। एंड जब उनका कांति का बड़ा लड़का 16 ईयर्स हुआ था, उनको भी एक नया कार मिला था। लड़की भी जब 16 ईयर्स हुआ था, उनका भी नई कार मिली। एंड दोज कार्स आर मच मोर कॉस्टलियर, आई थिंक दे आर BMWs। लेकिन वो देख के हमारा मन में भी एक ड्रीम का जन्म हुआ था। आई थॉट व्हेन माय सन विल become 18 years, I'll also gift him a car. And I did it. My daughter is going to be 18 next year, I think. And she will also get it. It's all about catching the dream. So figure out what's your dream. Kya o paise se aap kya karne ke liye soch rahe hai? It's all about dream. Lekin dream kuch aisa hoga, kuch long term bhi hoga, kuch mid term bhi hona chahiye. But you can really work hard with your short-term dream. उसीलिए ऐसा कोई dream को निकल ढूंढ के निकलिए जो आपको आज से 3 से 6 महीने के अंदर आप हासिल कर सकते हैं, जो आपको मिलना बहुत जरूरी है, उसमें आपका कुछ passion, कुछ emotion जुड़ा हुआ है, ऐसा कुछ आपको ढूंढ के निकालना चाहिए, which is realistic, जिसके लिए आप कोई भी price pay कर सकते हैं। That's the dream. Now, आपके पास ड्रीम है, आप डिसीजन भी लिया है, आप कितना पैसा बनाना चाहते हैं, फैंटास्टिक। एंड नाउ यू हैव द बेस्ट ऑफ द बेस्ट व्हीकल इन योर हैंड, दैट इज द एमवे बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो अपॉर्चुनिटी है क्या रियली? बहुत सारे आदमी बिजनेस में तो जोड़ते हैं। पहले तो हमारा टाइम में 4200 था, उसके बाद 4400 हुआ था, उसके बाद 995 हुआ था, अभी तो जीरो। कोई भी आदमी इफ ही इज 18 ईयर्स प्लस ही कैन ज्वाइन, nobody can stop him. लेकिन बिजनेस क्या है ये असलियत बहुत कम आदमियों को पता है। What is the real opportunity? What is the real potential of this business? How it really works? कैसे ये काम करते हैं, कैसे इसको काम करवा सकते हैं हम, इसको समझना बहुत जरूरी है। So really,
लर्न द पोटेंशियल ऑफ द बिजनेस, अंडरस्टैंड द बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है। एक कुछ सामान बेचने का बिजनेस है नहीं। यस, इन एनी बिजनेस यू नीड सम कस्टमर, बट द फर्स्ट कस्टमर इज मी डेफिनेटली, एंड वी नीड सम कस्टमर्स, बट मोर देन दैट वी नीड सम बिजनेस पार्टनर जो हमारा साथ एक साथ काम करेंगे बिजनेस आगे ले जाने के लिए, क्योंकि उनका भी ड्रीम है, वो भी ड्रीम पूरा करना चाहते हैं। दिस इज अ बिजनेस ऑफ क्रिएटिंग ऑर्गेनाइजेशन। और जब आप ऑर्गेनाइज क्रिएट करते हैं, आपका ग्रुप में कुछ आदमी आए हैं तो उनका भी मदद करना है, सो दैट दे कैन ऑल्सो क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन, एंड ऑल देयर स्मॉल स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन पुट टूगेदर गिव्स अ बिगर ऑर्गेनाइजेशन फॉर यू। और उनको मदद करना है जैसे वो बिजनेस में पैसा बना सकते हैं, वो बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। इफ ही इज प्रॉफिटेबल, ही इज मेकिंग मनी, ही इज फुलफिलिंग हिज ड्रीम्स, आपको बिजनेस और भी आगे जाएगा। एंड इट्स नाउ योर रोल टू कन्वर्ट दैट ऑर्गेनाइजेशन इनटू एन एक्साइटेड एंथुसियास्टिक हैप्पी फैमिली जो कोई भी काम करने के लिए तैयार है, कोई भी प्राइस पे करने के लिए तैयार है, कर रहे हैं, उसके साथ साथ उनको सक्सेस भी मिल रहे हैं। दे आर सुपर एक्साइटेड। कब हम ज्यादा एक्साइटेड होते हैं? जब हमको सक्सेस मिलते हैं, है ना। जॉब जॉब में थे, जॉब जो करते हैं, ऑन व्हिच डे वी आर मैक्सिमम एक्साइटेड? ऑन द पे डे, जब हम जानते हैं आज जाएंगे हमको सैलरी तो मिलेगा, एकदम डन डील, वी गेट एक्साइटेड। बिजनेस में भी जब आपको कामयाबी मिलते हैं आप बहुत एक्साइटेड होते हैं, लेकिन जिसको बिलीफ आ जाते हैं ना, ही कैन सी हिज सक्सेस विथ हिज इनर आइज, उसके लिए एक्साइटेड होकर काम करते हैं, उनको ही सक्सेस मिलते हैं। सो द बिलीफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेकिन अपॉर्चुनिटी आपको समझ में आए, कैसे ये अपॉर्चुनिटी काम करते हैं, आपको ड्रीम सेट हुआ है, आपको कितना इनकम आप बनाना चाहते हैं वो भी सेट हुआ है, लेकिन दिस एम्बे अपॉर्चुनिटी अलोन विदाउट द सपोर्ट एंड हेल्प ऑफ दिस ऑसम ऑसम ब्रिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम विल रियली डोंट हेल्प यू टू सक्सेड इन दिस बिजनेस। तो ए सिस्टम का, BWW एजुकेशन सिस्टम का इंपॉर्टेंस क्या है, इसका रोल क्या है, ए एक्चुअली क्या है, और इससे हम कैसे बेनिफिटेड हो सकते हैं, ये अगर आपको सचमुच पता चल जाएगा then you can straight away plug with this system। तो ए सिस्टम को आपको अपनाना बहुत जरूरी है बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। और जब आप सेट किया है आपको गोल, आपको पूरा फोकस के साथ 100% फोकस 100% कमिटमेंट लगा के उसको लिए काम करना है। हम सेट किया है गोल लेकिन हम भूल गया है, हाँ इस महीने हमारा क्या गोल था, हाँ हम सोचा था, हाँ ऐसा नहीं है। इट शुड रियली हॉन्ट यू ऑल द टाइम, इट इज इन योर माइंड। आप आंख बंद करके भी आप देख सकते हैं, आप सब कुछ देख सकते हैं, आप आंख बंद करते हैं आपको स्ट्रक्चर आपको आंख में आते हैं। हर टाइम यू आर थिंकिंग अबाउट योर स्ट्रक्चर, योर गोल्स, आपका इस महीने का क्या गोल्स है, एंड यू आर टोटली फोकस्ड, यू आर टोटली कमिटेड। ये बिजनेस कब काम करते हैं? देखिए हमारा लाइफ में सब कुछ है, किसी को जॉब है, किसी को बिजनेस है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और भी बहुत सारे चैलेंजेस है, बहुत कुछ हमको मिटाना पड़ते हैं। लेकिन सब कुछ करने के बाद हम ये बिजनेस करेंगे, ऐसा अगर हम सोचेंगे तो बिजनेस हम कभी भी नहीं कर पाएंगे। दिस इज ऑल्सो समथिंग विच इज इक्वली इंपॉर्टेंट। जब हमारा सोच लीजिए, इफ आई ड्रॉ इट लाइक दिस, दिस इज योर इनसाइड, देयर आर सो मेनी थिंग्स यू हैव टू डू। आपको जॉब करना, फैमिली को देखभाल करना, आपको किड्स को पढ़ाई में मदद करना, बहुत कुछ है, बहुत कुछ, ऑल आर इंपॉर्टेंट। लेकिन इसके साथ अभी जोड़ गया है क्या और एक चीज, दिस एमवे बिजनेस, दिस इज योर एमवे बिजनेस। ये अगर आपको इधर रहेगा तो ये प्रायोरिटी में आगे नहीं आएगा। सब कुछ करने के बाद अगर फुर्सत मिलेगा तो हम ये करेंगे, इससे कुछ भी नहीं होगा। शुरुआत ऐसा होता है हर एक को साथ, लेकिन बाद में जब आपको इसका बेनिफिट क्या है, इसको पोटेंशियल क्या है, ये आपको कहां ले सकते हैं, ये जब आपको पता चल जाएगा, आपको बिलीफ आ जाएगा ये हमसे भी हो सकता है। अब दूसरों सक्सेसफुल आदमियों को लाइफस्टाइल, उनको अचीवमेंट देख के आप जब मोटिवेटेड होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये अंदर आते हैं, अंदर आते हैं। और जब कोई लीडर को आप देखेंगे
उनका एमवे बिजनेस है यहाँ, और भी बहुत कुछ है, लेकिन एमवे बिजनेस एवरीथिंग रोटेट्स अराउंड हिज प्राइम प्रायोरिटी, दैट इज एमवे बिजनेस। लाइफ तो है, हर एक को साथ है, लेकिन वो आप कहां प्रायोरिटी में रखते हैं ये बहुत जरूरी है। इट्स ऑल अबाउट डूइंग द राइट प्रायोरिटी। और सिस्टम को साथ आप जोड़ गया है, आप प्राइस पे करने के लिए तैयार है, आप उनको प्रायोरिटी भी दिया है। नाउ यू हैव टू बी रियली विलिंग टू लर्न एंड विलिंग टू चेंज। लर्न अगर हम नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। हो सकता है हमारा बहुत सारे डिग्रीज है, हम हमारा प्रोफेशन में बहुत सक्सेसफुल है, सब कुछ ठीक है, आई रेस्पेक्ट दैट, लेकिन ए बिजनेस में हम नया है, ए बिजनेस का एडुकेशन में हमारा कुछ एडुकेशन है ही नहीं है। सो आई हैव टू लर्न जस्ट लाइक ए गुड स्टूडेंट फ्रॉम जीरो। ऐसा भी बहुत सारे आदमी आपके ग्रुप में भी आते हैं, हो सकता है कुछ दूसरा कुछ ऐसा नेटवर्किंग बिजनेस ट्राई किया था, हो सकता है उसमें कुछ सक्सेस भी मिला था, अभी बिजनेस ही है नहीं, नहीं तो वो छोड़ दिया, कुछ भी होगा। हाँ हाँ, हम ये समझते हैं तुम्हारा, मैं थोड़ा कुछ बता दो, हम नेटवर्किंग क्या करते हैं वो हम समझ जाते हैं, हम जानते हैं। ऐसा बहुत सारे आदमी आप भी मिलते हैं, लेकिन ऐसा उनका पास्ट एक्सपीरियंस ए बिजनेस में उनको कुछ भी मदद नहीं करते। ही हैज टू लर्न फ्रॉम जीरो। इफ यू आर ऑलरेडी हैविंग सो मेनी थिंग्स दैट यू थिंक दैट यू नो एवरीथिंग, सो फर्स्ट यू हैव टू डीलर्न दोज पास्ट थिंग्स एंड स्टार्ट फ्रॉम जीरो। सो बी अ गुड स्टूडेंट ऑफ ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज लर्न द बेसिक्स। ए बिजनेस का बेसिक्स क्या है? कोई भी प्रोफेशन में, कोई भी सिस्टम में कुछ बेसिक्स होता है। ए बिजनेस का बेसिक्स जो है वो आपको समझना पड़ेगा, हाउ टू क्रिएट द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन तो बनाना है, कैसे हम बनाएंगे? हम ज्यादा टाइम इसमें बिताएंगे नहीं, क्योंकि देयर आर सो मेनी बुक्स, लॉन्चिंग योर फ्यूचर, आईबीओ फील्ड गाइड, दीज आर द बुक्स यू शुड हैव, यू शुड गो थ्रू ऑन ए डेली बेसिस टू लर्न द बेसिक्स। थोड़ा हम बताएंगे ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने के लिए आपको ये फोर बेसिक्स को, इसमें आपको मास्टर होना चाहिए। फर्स्ट इज लिस्ट बिल्डिंग, यू हैव टू मेक ए लिस्ट, लिस्ट ऑफ नेम्स। डायमंड जाने के लिए कितना आदमी का जरूरत है? सिक्स। इफ यू हैव सिक्स गुड लेग्स यू आर अ डायमंड। लेकिन छह आदमी को अगर आप स्पॉन्सर करेंगे, छह आदमी क्या कामयाब बनेंगे? कभी नहीं होता है। सो यू हैव टू स्पॉन्सर मच मोर, और टू स्पॉन्सर अ पर्सन अगर एक ही प्लान दिखाएंगे वो आदमी आपका बिजनेस में, ऐसा कोई गारंटी है? देयर इज ऑलवेज अ रूल, 80-20 रूल, यू नो। तो 80-20 रूल मतलब अगर आपको छह अच्छा लेग मिलने के लिए, छह प्लेटिनम लेग बनाने के लिए आपको अगर 80-20 रूल को फॉलो करना है, तो आपको कम से कम उसको पांच गुना मतलब 30 पीपल को स्पॉन्सर करना है। आउट ऑफ 30, 20% इफ बिकम्स प्लेटिनम, यू हैव सिक्स प्लेटिनम लेग्स। तो 30 लेग को स्पॉन्सर करना है अगर, नॉट टूडे बट इन कपल ऑफ ईयर्स टाइम। सो यू हैव टू हैव अ बिग लिस्ट। अगर आपका लिस्ट में 30 नेम्स है ही नहीं, तो 30 आदमी को आप स्पॉन्सर करेंगे कैसे? सो फर्स्ट इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक एन एग्जॉस्टिव लिस्ट एज मच एज यू कैन। नेवर मेक ए लिस्ट ऑफ लेस देन 200, मिनिमम 200 शुड बी योर टारगेट। इट कैन बी मोर देन दैट, इट कैन बी मोर देन दैट। सो हैव ए ह्यूज लिस्ट विदाउट एनी प्री जजमेंट, कौन ओ बिजनेस करेंगे क्या नहीं करेंगे, दैट्स देयर हेडेक, यू पुट द नेम्स। सेकेंड इज क्वालिफाइंग एंड इनवाइटिंग। लिस्ट में तो हर एक को डाल दिया है, लेकिन अभी उनको क्वालिफाई करके देखेंगे, क्योंकि हम किसी को भी बिजनेस में ले लेंगे, ऐसा नहीं जी, जो जिसे बिजनेस अच्छा चलेगा ऐसा ही आदमी ढूंढेंगे। सो व्हाट काइंड ऑफ पीपल यू आर लुकिंग फॉर? पीपल हु हैव ए हाई एम्बिशन, एम्बिशियस पीपल, जो ऑलरेडी कुछ अच्छा ही कुछ करते हैं, उनका कुछ अच्छा जॉब है, नहीं तो कुछ बिजनेस है, अच्छा एडुकेशन है, सब कुछ ठीक ठाक ही है, लेकिन वो और भी आगे बढ़ना चाहते हैं। बिग एम्बिशन, दे आर बेसिकली ऑनेस्ट। यंग एनर्जेटिक पीपल आर द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि अगर हम बहुत ओल्ड एज है, क्योंकि और हमारा एनर्जी लेवल अगर कम है, तो ये बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। तो यंग एनर्जेटिक एम्बिशियस पीपल, ऑनेस्ट पीपल, ऐसा आदमी को हम ढूंढेंगे। सो आउट ऑफ ए लिस्ट ऑफ 200, मे बी यू कैन फाइंड ए ग्रुप ऑफ 30-40 पीपल
जिसको आप देखने से आपको ऐसा लगता है जो हाँ ए बिजनेस में ए कामयाब हो सकते हैं, उनको आप अप्रोच कीजिए और उनको आप इनवाइट, मतलब आप उनको इंटरव्यू ले रहे हैं, आपको आप चेक कीजिए जो ओके आर जो भी काम करते हैं उसके अलावा साइड में और कुछ प्रोफेशन और कुछ बिजनेस करके कुछ एक्स्ट्रा इनकम के बारे में सोच रहे हैं, एक्स्ट्रा इनकम बनाने का कुछ अपॉर्चुनिटी अगर है तो वो क्या वो देखना चाहते हैं क्या है, इज ही रियली इंटरेस्टेड इन मेकिंग सम एक्स्ट्रा इनकम और नॉट, इफ ही इज नॉट डू नॉट फोर्स हिम टू मेक सम एक्स्ट्रा इनकम, ही इज नॉट ए ड्रीमर सो इट्स नॉट योर फॉल्ट इट्स हिज फॉल्ट, मे बी ही लुक्स लाइक वेरी स्मार्ट बट अल्टीमेटली ही इज नॉट. So, out of those 30, 40 people, 50 people, आप क्वालिफाई करके लिया है उनको इन्वाइट कीजिए, जो आपको बिजनेस देखने के लिए तैयार है उनको प्लान दिखाना जरूरी है, शो द प्लान. शो द प्लान आप कोई ओपन मीटिंग में ले सकते हैं, कोई ऑफलाइन को मदद से आप कोई होम मीटिंग अरेंज कर सकते हैं, कोई वन ऑन वन कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन द बेस्ट थिंग इज जब आप खुद प्लान दिखाते हैं. खुद अगर हम प्लान नहीं दिखाएंगे तो हमारा बिजनेस का ओनरशिप आया नहीं है. यू ओन योर ओन बिजनेस, तो आप अगर बिजनेस ओन करते हैं लेकिन आपको प्लान दिखाने के लिए आपको किसी को बुलाना पड़ता है, आपको ऑफलाइन को बुलाना पड़ता है, नहीं तो ओनली ओपन मीटिंग का ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, सो यू आर नॉट ओनिंग द बिजनेस, योर बिजनेस कैन नेवर स्पीड अप. सो यू हैव टू लर्न हाउ टू शो द प्लान. शो द प्लान इज नाउ वेरी सिंपल, वेरी सिंपल प्लान 20 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए. हो सकता है ओपन मीटिंग में आप आधा घंटा, 45 मिनट्स, 50 मिनट्स, एक वन आवर ले सकते हैं, लेकिन वन ऑन वन यू कैन एटलीस्ट शो द ओवरव्यू. ओवरव्यू देना बहुत जरूरी है. किसी को आप एक्स्ट्रा कमाना चाहते हो इधर चले आओ, एक सेमिनार चल रहा है देख के जाओ, ठीक है जाएंगे, आएंगे नहीं, बिकॉज ही डिडंट फाइंड एनी इंटरेस्ट, यू कुडंट एक्साइट हिम. तो उनको कुछ इंफॉर्मेशन तो देना जरूरी है जिसके ऊपर वो डिसीजन लेंगे, ठीक है चलो देखते हैं क्या है. तो वो थोड़ा इंफॉर्मेशन देना ही ओवरव्यू है. वो ओवरव्यू आपको बहुत जल्दी सीख लेना चाहिए और बाद में आपको पूरा प्लान दिखाना भी चाहिए. तो ओवरव्यू आप देना शुरू किया है, प्लान दिखाते रहे, जो प्लान देख लिया है उनको ऐसा मत सोचिए जो जस्ट ऑन स्पॉट दे विल डिसाइड एंड दे विल आस्क यू फॉर द फॉर्म एंड गेट स्टार्टेड. ऐसा तो होता नहीं है, हो सकते हैं 100 में एक हो जाता है. सो वी हैव टू बुक एन अपॉइंटमेंट टू हेल्प हिम टू टेक द राइट डिसीजन. बुकिंग एन अपॉइंटमेंट आफ्टर शोइंग द प्लान इज मैंडेटरी. अभी हम ऐसा देख रहे हैं जो बहुत सारे आदमी, और जब अपॉइंटमेंट हम बुक करते हैं उनको घर ले जाने के लिए कुछ मेटेरियल तो देना चाहिए, कुछ इंफॉर्मेशन. हम बोलते हैं लीव बिहाइंड ब्रोश्योर, बोयो पैक, बिजनेस ऑफ योर ओन पैक. उसमें कुछ लिटरेचर हो सकते हैं, कुछ ब्रोश्योर हो सकते हैं, एमाग्राम हो सकते हैं, लैंप लाइटर हो सकते हैं, कुछ सीडी हो सकते हैं, रैली सीडी कोई सक्सेसफुल आदमियों का. और बेस्ट इज वो आदमी जो प्रोफेशन का है वही प्रोफेशन का कोई सक्सेसफुल आदमी का जो अगर सक्सेस स्टोरी का आप सीडी दे सकते हैं देन ही कैन रिलेट. तो ये देना जरूरी है. लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, हम तो दिया था ऐसा, हम 3-4 पैक बनाया था लेकिन सब गायब हो गया है, वापस नहीं आया, उसीलिए हम अभी नहीं देते हैं, तो बिजनेस चलेगा. दिस इज द मिनिमम इन्वेस्टमेंट. अभी आदमी ऐसा भी सोचना शुरू किया है, अभी ज्वाइन करने में तो पैसा भी नहीं लगते, अभी क्या वो बॉय बैग देने का कोई जरूरी है. ज्वाइनिंग में भी फ्री बट बिकमिंग सक्सेसफुल इज नेवर फ्री. यू हैव टू पे द प्राइस एंड डू नॉट ट्रीट दिस बिजनेस लाइक दैट. आप एक सस्ते का चीज दूसरों को नहीं दे रहे हैं, सबसे महंगा चीज उनको दे रहे हैं एंड नॉट टेकिंग एनी मनी. उसलिए उनको प्रॉपरली आपको डील करना है. बोयो पैक देना बहुत जरूरी है और उसको साथ एक फॉलो अप का अपॉइंटमेंट किया है, बुक किया है और उसी दिन आप उनको घर में गया है और उनको मदद किया है टू टेक द राइट डिसीजन. फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू. राइट डिसीजन क्या हो सकता है? प्लान में आप क्या दिखाया है? प्लान में अपॉर्चुनिटी दिखाया है और प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाया है, दोनों ही एक्साइटिंग है. कोई आदमी अपॉर्चुनिटी लेने में तैयार रहेंगे? अपॉर्चुनिटी मतलब अपॉर्चुनिटी विदाउट प्रोडक्ट तो होता ही नहीं है. अपॉर्चुनिटी मींस प्रोडक्ट इज इनबिल्ट. और जो प्रोडक्ट देखना चाहते हैं, प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, ही इज ओनली इंटरेस्टेड अबाउट द प्रोडक्ट नॉट द अपॉर्चुनिटी. तो हम अपॉर्चुनिटी दिखाया मतलब प्रोडक्ट के साथ दिखाया है, उसको फॉलो अप करने के लिए गए हैं. तो वो क्या बन सकते हैं?
Maybe he can become a distributor. Otherwise he can become a customer. इसमें तो होगा ही होगा. और आपको total positive expectation. आप जब जा रहे हैं follow up करने के लिए, आपको मन एकदम confidence से भरा हुआ है. आज ये तो हमारा downline में तो बन गया ही है. Actually I am going for a counseling. How he can go platinum? How he can go emerald like that? So excited, so positive you are. तो आपको ये expectation उसमें transfer हो जाते हैं. In this business, to succeed, leadership is not just an option, it's mandatory. Leader आपको होना ही पड़ेगा और आपका अंदर वो सब skill है ही. The best thing is, अगर आप सोचते हैं जो आपका अंदर है नहीं, leadership can be acquired. It can be acquired if you are willing to learn and willing to change. जैसे हमारा साथ हुआ है. हमारा अंदर कुछ भी लीडरशिप क्वालिटी था नहीं. आई वॉज अ गुड फॉलोअर, आई वॉज अ गुड टीम मैन, बट नेवर अ लीडर. बट इन दिस बिजनेस विद द हेल्प ऑफ माई ऑसम अपलाइन एंड विद द हेल्प ऑफ दिस ऑसम ब्रिटोल्ड एजुकेशन सिस्टम, आहिस्ता 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 आज हम भी लीडर बन गए. तो इसलिए आप हर एक को लीडर बनने का सब कुछ पोटेंशियल आपका अंदर है, बट दैट हैज नेवर बीन एक्सप्लोर्ड. जस्ट वर्क ऑन दैट, फॉलो दिस सिस्टम, आपका अंदर से वो लीडरशिप स्किल निकल आएगा. बिजनेस में हम तो बहुत दफे सुना है, आप भी जरूर सुना होगा, जो इन दिस बिजनेस टू मेक दिस बिजनेस वर्क यू हैव टू फर्स्ट मेक द फर्स्ट सर्कल वर्क. फर्स्ट सर्कल कौन है? जो प्लान दिखाते हैं ना सर्कल सर्कल, पहला कौन है? आप. अगर वो सर्कल सही काम कर रहे हैं तो आपका ऑर्गेनाइजेशन भी सही काम करेंगे. दिस इज अ बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन. अगर ओरिजिनल अच्छा नहीं है तो उनका जीरोक्स क्या आएगा? ठीक नहीं आएगा. ओरिजिनल को सही काम करना चाहिए. तो मेक योर पर्सनल सर्कल राइट, एंड टू मेक योर पर्सनल सर्कल राइट एंड टू टेक यू टुवर्ड्स द लीडरशिप, योर फर्स्ट गोल एज पर ब्रिट वर्ल्ड एजुकेशन सिस्टम इज टू गो एंड इज टू रीच 100% पिन. ब्रिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम में कई सारे पिन्स है, आप जानते हैं कई सारे लेवल्स है, जैसे 100% पिन, ईगल, डबल ईगल, अल्टीमेट ईगल, दीज आर द पिन्स. एमवे में जैसा है 6%, 9%, 12%, ऐसा ये सब. अगर आप 300 पीवी का सामान बेच दिया, यू आर 6%. अगर आप 6 आदमी लेके 50 पीवी करके 300 पीवी किया, वो भी 6%. एमवे चेक्स वेदर यू हैव क्लियर द वॉल्यूम और नॉट. 300 पीवी मतलब 6%, 10,000 पीवी मतलब 21%. आपका अंदर कितना लीडरशिप क्वालिटी है एमवे उसके जांच नहीं करते हैं. लेकिन टू मेक योर बिजनेस प्रॉफिटेबल, सस्टेनेबल एंड ग्रोइंग, यू हैव टू बिकम अ लीडर. एंड दिस पिंस, ब्रिट वर्ल्ड वाइड पिंस, आर द लीडरशिप पिंस. 100% पिन, ईगल, डबल ईगल, अल्टीमेट ईगल. सो इट स्टार्ट्स विथ 100% पिन. That is making your personal circle right. So, do you want to know more about this 100% pin? कैसे हम खुद आहिस्ता आहिस्ता लीडर बन पाते हैं? To tell you more about this 100% pin and to tell you some more very, very important things, please help me invite Sujata once again to share her wisdom with you. थैंक यू. अभी अभी तो बहुत कुछ सुन लिया शुभाशीष से, बिजनेस में क्या कुछ करना है. देखिए, इफ यू हैव सम पैशनेट रियलिस्टिक स्ट्रांग ड्रीम, यू विल बी एन अनस्टॉपेबल पर्सन. सो ड्रीम, एकदम ड्रीम में फोकस्ड रहना चाहिए. और हम जब शुरू किया, हमारा कोई, मेरा तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं थी, और ये बिजनेस करने के लिए जो क्वालिटी रहना चाहिए वो भी नहीं थी. लेकिन एक चीज हमारा पास था, वो है इनोसेंट एक्साइटमेंट. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस बिजनेस. तो इनोसेंट एक्साइटमेंट था, अपलाइन का ऊपर फेथ था. इसीलिए अपलाइन जो कुछ सिखाया, वी डिड एवरीथिंग विदाउट एनी आर्गुमेंट एंड विथ टोटल सबमिशन. तो वही है सीक्रेट ऑफ आवर सक्सेस. देखिए, हमारा ड्रीम था, शुभाशीष जो बोला, जो एक्स्ट्रा 10,000 इनकम. तो इसीलिए वो है हमारा शॉर्ट टर्म ड्रीम. शॉर्ट टर्म ड्रीम, नीड बेस्ड ड्रीम. इसीलिए अपलाइन जो कुछ बोला, अपलाइन पहले क्या किया,
मुझे भरोसा दिया, ठीक है वो 10,000 इनकम ए बिजनेस से आप कर सकते, इसीलिए हम जो जो बोलेंगे वो तुमको करना पड़ेगा। तो इसीलिए वो टोटल सबमिशन वी डिड एवरीथिंग। और इसीलिए क्या होता है, जब अपलाइन हमारे साथ काम करते हैं धीरे धीरे अपलाइन के साथ एक अच्छा रिलेशन बन जाते हैं। तो पहला दिन से ही हमारा अपलाइन से हमारा रिलेशन बहुत ही अच्छा था। और जब मेरा ये पता हो गया जो अपलाइन इज आवर बेस्ट ऑयल विशर, तब वो रिलेशन और स्ट्रांग बन गया है। और अपलाइन का जब ये महसूस हो गया, आप जो मेरा जो डाउनलाइन है वो मेरा ऊपर डिपेंड करते हैं, जब हमारा ए जैसा एटीट्यूड उनको पता हो गया, तब उनका भी रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो गया टू मेक आवर सेल्फ सक्सेसफुल। दैट इज द ब्यूटी ऑफ हैविंग गुड रिलेशनशिप विथ अपलाइन। अपलाइन के साथ अच्छा रिलेशन होने से क्या फायदा होता है, अपलाइन ऑलवेज हम लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, मोटिवेशन हमें मिलते हैं उनसे, गाइडेंस मिलते हैं, सही डिरेक्शन सब कुछ मिलते हैं, रेक्टिफिकेशन भी मिलते हैं। गुड रिलेशनशिप मतलब नॉट ओनली वी आर गेटिंग एवरीथिंग, वी हैव टू गिव हिम एक्सेस टू रेक्टिफाई आवर सेल्फ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारा क्या फीलिंग होते हैं, जो वी आर अंडर द सेफेस्ट अम्ब्रेला इन दिस वर्ल्ड, तो ये एक फीलिंग हम लोग हर टाइम महसूस करते हैं। पहले दिन से वी आर इन लर्निंग मोड, तो इसलिए जो जो कुछ सीखा हम लोग ईगो हटा के सीखा, अपलाइन को गुरु मान लिया। तो ये बिजनेस में एक कैरेक्टर होना चाहिए हमारा अंदर, टीचेबिलिटी। किसी को ज्वाइन करने के बाद हमारा क्या करना है, उनको सिस्टम को साथ प्लग कर देना चाहिए। क्योंकि देखिए सिस्टम मतलब ए जैसा फंक्शन, कुछ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड का जो बुक है वो किताब पढ़ना, वो जो सीडी है डिफरेंट सक्सेसफुल लोगों को जो सीडी है वो सीडी सुनना। और वो सुनते सुनते क्या होता है, सीडी सुनते सुनते हमारा बिलीफ लेवल ज़्यादा हो जाता है, हम किसको साथ रिलेट कर सकते हैं। और किताब पढ़ते पढ़ते वी कैन रेक्टिफाई आवर सेल्फ, हमारा कुछ नॉलेज हमें मिलते हैं। तो ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, सीडी पर सुनना और किताब पढ़ना। क्योंकि देखिए हमारा टीम में जो बहुत सारे लोग आएंगे, दे आर नॉट कमिंग फ्रॉम सेम बैकग्राउंड, देयर बैकग्राउंड इज डिफरेंट, देयर मेंटालिटी डिफरेंट, सो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू रिलेट विथ एवरीबॉडी। लेकिन हम हर एक को सिस्टम को साथ प्लग करवा देंगे तो क्या होगा, तो दे कैन रिलेट विथ समबॉडी। जो काम मैं नहीं कर सकते हैं वो काम सिस्टम कर देते हैं। और एक जैसा बुक, एक जैसा सीडी, एक जैसा फंक्शन को साथ प्लग करने से क्या होता है, सेम सोर्स में सेम इंफॉर्मेशन उन्होंने मिलते हैं, तो क्या होता है, यूनिटी डेवलप करते हैं, यूनिफॉर्मिटी डेवलप करते हैं। और जिधर यूनिटी है वो टीम सबसे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जिधर यूनिटी है उधर गॉड्स का ब्लेसिंग्स है। और टीम को साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है लव देम एंड सर्व देम। कभी कभी हम सोचते हैं तो इतना सर्व कर रहे हैं लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिलते हैं, कभी कभी हम ये सोचते हैं इतना इन्वेस्ट करके इतना दूर जाके इतना टाइम बिता के हम लोग टीम को सर्व करते हैं लेकिन उधर से कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, कभी कभी हमारा अंदर फ्रस्ट्रेशन का जन्म होते हैं। लेकिन सर्व तो करना ही है, आज आप सर्व करते हैं, हो सकता है आज कोई रिजल्ट नहीं मिलता है लेकिन दूसरा दिन आप वो रिजल्ट मिलेंगे, वो बहुत गुण ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे। मैं एक स्टोरी आपको शेयर करती हूँ, स्टोरी ऑफ ए पुअर टीनेजर स्कूल बॉय, वाज वेरी ब्रिलियंट। और लेकिन वो वेरी पुअर था, इसीलिए ही हैड टू टेक सम जॉब टू मीट अप हिज एजुकेशन एक्सपेंसेस। तो वह क्या करते हैं, वो घर घर जाके कुछ सामान डिलीवरी करते हैं, वो जो होम डिलीवरी बॉय का जो काम वही करते हैं। तो एक बार एक दफे एक एग्जाम का टाइम, उन्होंने पढ़ाई लिखाई का प्रेशर ज्यादा हो गया, उसके साथ साथ इतना स्ट्रेनस जब करते करते एक दिन बहुत थक गया, बहुत टायर्ड फील करते थे, हंग्री फील करते थे। उसी टाइम एक घर में जाके सामान डिलीवरी करने का टाइम, वो घर का जो ओनर यंग लेडी, उनका ये महसूस हो गया ही मस्ट नीड सम फूड। तो जब वो बॉय उनको उनसे कुछ पानी मांगा
Instead of giving water, gave him a glass of milk or some biscuits. तो वो पीने के बाद वो बहुत अच्छा लगा और he wanted to pay something to her. लेकिन वो lady बोला, देखो मैं ये सीखा मेरा मामी से जो we shouldn't accept any money for our kindness. तो वो मैं बहुत शर्मिंदा बन गया और बहुत थैंक्स उनको बोल चला गया. धीरे धीरे एक दिन वो ब्रिलियंट बॉय बहुत बड़ा डॉक्टर हुआ. वो शहर में एक बहुत बड़ा नर्सिंग होम और हॉस्पिटल बनाया. और बहुत दिन बाद वो जो लेडी उनको दूध दिया, पानी दिया, एक दिन उनको कुछ काइंडनेस दिखाया, उनका क्या हुआ, एक बीमारी हो गया, बहुत डेंजरस डिजीज. तो वो जो लड़का जो हॉस्पिटल बनाया डॉक्टर होके, वो हॉस्पिटल में एडमिशन लिया. एडमिशन लेने के बाद उनको इलाज करने के टाइम वो डॉक्टर जब आया तो देन दे कुड रिकॉग्नाइज ईच अदर. और वो बहुत सीरियसली इलाज किया और धीरे धीरे वो भी रिकवरी मिला और लेडी और एक दिन तो तैयार हो गया घर जाने के लिए. लेकिन घर जाने का टाइम उनका मन में चिंता आया, जो ठीक है मैं तो रिकवरी मिल गया, लेकिन आज जो बिल आएगा वो तो बहुत बड़ा बिल होगा, क्योंकि बहुत अच्छा फेमस हॉस्पिटल है, हमारा बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट चला. तो वो यही सोचना शुरू किए, जो मेरा जीवन भर जो जितने सारे मैं जीवन भर सेविंग्स किए सब कुछ आज चले जाएगा. लेकिन उसका कुछ टाइम बाद उनका हाथ में एक बिल आया. द अमाउंट वॉज वेरी बिग, बट उनका नीचे एक लाइन था जो फुल्ली पेड लॉन्ग टाइम बैक थ्रू अ ग्लास ऑफ मिल्क. तो एक दिन कुछ काम करने के टाइम हम लोग जब ये सोचते हैं कि कुछ नहीं रिजल्ट मिलते हैं, कुछ नहीं रिजल्ट मिलते हैं, आप ये नहीं जानते हैं जे एक दिन ना एक दिन रिजल्ट मिलेंगे. भगवान का टेस्ट है वो. ठीक है, ए बिजनेस में तो वी आर डीलिंग विथ पीपल. तो पीपल डील करने के लिए क्या करना है, हर एक को साथ रिलेट करना पड़ेगा, हर एक को साथ अच्छा रिलेशन बनाना चाहिए. तो इसीलिए वी हैव टू हैव ए वेरी स्ट्रांग होम टीम. ए बिजनेस में जो मैरिड है इट्स आइडियल कॉम्बिनेशन, हस्बैंड वाइफ एक साथ बिजनेस बिल्ड करेंगे. जो जिधर अकेला बिजनेस बिल्ड कर रहा है वो भी अच्छा तरह से बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ अपलाइन और सिस्टम. लेकिन जो मैरिड कपल है और जो बिजनेस में इन्वॉल्व है, मैं उनको यही रिक्वेस्ट करूंगी, जो अगर आप दोनों ही एक साथ विथ सेम एक्साइटमेंट विथ कॉमन ड्रीम बिजनेस बिल्ड करेंगे तो अपना आपका बिजनेस में एक सिनर्जिकल इफेक्ट आएगा. तो इसीलिए वी शुड हैव ए वेरी गुड रिलेशनशिप विथ हस्बैंड एंड वाइफ एंड विथ आवर फैमिली. क्योंकि फैमिली सारे को साथ फैमिली मेंबर को साथ अच्छा रिलेशन रखने से क्या होता है, उधर से हम लोग सपोर्ट मिलते हैं, मेंटल सपोर्ट एटलीस्ट मिलते हैं. और ए बिजनेस में हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं, हार्डवर्क तो करना ही पड़ते हैं. देखिए, इफ इट इज क्लियर टू अस व्हाई वी आर बिल्डिंग दिस बिजनेस, देन इट इज नो मोर अ स्ट्रेनर्स जॉब. क्योंकि ये हमारा अपना बिजनेस है, ये हमारा सपना साकार कर सकते हैं, ये हमारा फ्यूचर सिक्योर करते हैं, ये हमारा बिजनेस है. हमारा ड्रीम जितना ही स्ट्रांग है, हमारा नंबर ऑफ प्लान शॉप उतना ही ज्यादा है, क्योंकि ये हमारा बिजनेस. एक स्टोरी मैं बताऊंगी. दो सचिए, आपका एक छोटा लड़का है, 2-3 साल का लड़का, वो एक घर में अटक गए और वो घर में ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन का कमी है. और इफ यू स्टे फॉर अनदर कपल ऑफ आवर्स तो ही मे बी सेंसलेस. तो आप क्या करेंगे, आप वो दरवाजा तोड़ेंगे, आप किसी को पूछेंगे कितने दफे वो धक्का देंगे तो आप वो दरवाजा तोड़ेंगे, क्योंकि आपका लड़का का लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट. आप किसी को नहीं पूछेंगे, आप उतने ही दफे वो धक्का मारते जाएंगे जितना तक वो दरवाजा नहीं तोड़ेंगे. तो ए बिजनेस आपका सक्सेस का दरवाजा खोल देंगे जस्ट बाय शोइंग द प्लान. सो आप किसी को पूछेंगे जे कितने दफे प्लान दिखाएंगे, आपका जितना बड़ा ड्रीम है आप उतना ही दफे प्लान दिखाएंगे.
लेकिन मिनिमम पेस है 3 to 5, उससे कम दिखाने से कोई फायदा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और नेक्स्ट है 100 पे भी मूव करना हर महीने, ये भी मिनिमम कमिटमेंट, ए गाइडलाइन हमको दे दिया पर 100% पिन होल्डर। 100 पे भी करेंगे, कोई कोई सोचता है 100 पे भी मूव करना है तो पीस ऑफ केक। लेकिन मैं जब ये बिजनेस में ज्वाइन किए शुरुआत का टाइम, मैं यही समाफी सस्ती थी आम जनता के तरह, ये प्रोडक्ट वेरी कॉस्टली, कैसे मूव करेंगे। लेकिन आज तो हमारा हाथों में मोर देन 130 प्रोडक्ट है। हमारा काम क्या है? चेंज अवर ब्रांड। बिफोर दिस बिजनेस हम लोग क्या यूज करते थे? हम लोग तो साबुन यूज करते थे, FMCG आइटम यूज करते थे, डिटर्जेंट यूज करते थे, कुछ हेल्थ प्रोडक्ट लेते थे। लेकिन आज वो दूसरा ब्रांड जगह से नहीं खरीद के हम लोग क्या करेंगे, हमारा अपना बिजनेस से खरीदेंगे। जस्ट बाई चेंजिंग अवर ब्रांड वी कैन मूव सम पीवी, एंड दिस इज आवर बिजनेस, वी नो अबाउट न्यूट्रीलाइट, सो वी हैव टू इंट्रोड्यूस एटलीस्ट 1 or 2 न्यूट्रीलाइट प्रोडक्ट इन आवर फैमिली। और हमारा जो एक्सपीरियंस वो प्रोडक्ट यूज करने के बाद अगर वो दूसरों के साथ शेयर करेंगे तो क्या होगा, कोई ना कोई तो हमारा प्रोडक्ट लेंगे जरूर। तो जस्ट ये 3 steps फॉलो करके, चेंजिंग योर ब्रांड, इंट्रोड्यूसिंग 1 or 2 न्यूट्रीलाइट, दूसरों के साथ शेयर करते करते हम लोग आसानी से 100 से ज्यादा भी मूव कर सकते हैं। तो कस्टमर को साथ डील करने के टाइम कुछ कुछ चीज तो याद रखना चाहिए, अकॉर्डिंग टू देयर नीड, अकॉर्डिंग टू देयर अफोर्डेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू देयर नीड बेस्ड वी शुड रिकमेंड द राइट प्रोडक्ट टू राइट पर्सन, देन ओनली वी कैन गेट रिपीटेड कस्टमर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो STP 3 to 5 STP और 100 PV प्रोडक्ट मूवमेंट, ये करते करते क्या होता है, हमारा बिजनेस बड़ा हो जाते हैं। This is the main 2 criteria of 100% pin. हमारा काम क्या है, STP करना, show the plan and share the product. मेरा अपलाइन तो यही बोलते हैं पहला दिन से, show the plan and share the product, show the plan and share the product, then only you will get another 2 STP, that is solve the problem and stop the pocket. It will come from God's time. और 100% pin के लिए और एक जो क्राइटेरिया है वो है ब्रिट वर्ल्ड वाइड का जो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड का जो बुक है, वो बुक ऑफ द मंथ का जो एक प्रोग्राम ब्रिट वर्ल्ड वाइड का है, वो प्रोग्राम का सब्सक्राइबर बन जाना। वो होने से क्या फायदा होता है, जो आपका घर में मायने में एक फिक्स टाइम में वो नया जो बुक है वो आपका घर में और ब्रिट वर्ल्ड वाइड भेजेंगे, और विच इज नॉट अवेलेबल फॉर एवरीबॉडी। और वो जैसा SOCD स्टैंडिंग ऑर्डर CD का भी एक प्रोग्राम है, उसका भी सब्सक्राइबर बनना है, वो आपका घर में अकॉर्डिंग टू योर चॉइस हिंदी और इंग्लिश और बोथ 2 or 4 CD आपका घर में आ जाएगा फिक्स टाइम में। तो ऐसे क्या होता है, आपका नॉलेज लेवल थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। और फंक्शन जाना तो पड़ेगा ही, फंक्शन हर फंक्शन जो जो फंक्शन है, स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रिट ओपन, BBS, मेगा फंक्शन और अपलाइन, जो जो फंक्शन में आपको जाने के लिए बोलेंगे और हर फंक्शन में जाना चाहिए। फंक्शन जाने से क्या होता है, हमारा अंदर एक ऑडियो विजुअल इफेक्ट होता है, हम लोग किसी को से रिलेट कर सकते हैं, फंक्शन से हम लोग डिसीशन ले सकते हैं। तो फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फंक्शन जाना, सीडी सुनना, किताब पढ़ना, प्रोडक्ट शेयर करना, प्लान दिखाना, ये काम करते जाएंगे तो क्या होता है, आपका बिजनेस बहुत जल्द आगे बढ़ेगा। और बिल्ड दिस बिजनेस विथ इंटीग्रिटी, विथ ऑनेस्टी, विथ एथिक्स, दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि वी आर डीलिंग विथ पीपल। पीपल को एक साथ एक टीम बनाने के लिए, एक साथ लेके एक टीम बनाने के लिए, उनको साथ अच्छा रिलेशन के लिए ऑनेस्टी इंटीग्रिटी बहुत जरूरी है। ये है हमारा 100% पिन का कुछ जो 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 क्राइटेरिया है, वो ये है फर्स्ट स्टेप ऑफ डेवलपिंग लीडरशिप इन आवर सेल्फ। देखिए ये सब करते करते चैलेंज तो आएगा, इट इज इनएविटेबल, चैलेंज आएगा। लेकिन आप चैलेंज को कैसे फेस करते हैं, आप चैलेंज को कैसे कॉन्फ्रंट करते हैं, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चैलेंज इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ, लेकिन द वे वी आर कॉन्फ्रंटिंग चैलेंजेस, दैट इज द आर्ट ऑफ लाइफ।
और वो आर्ट हम लोग हमें मिलते हैं इस सिस्टम से. विनिंग योर गोल इज नॉट द टफेस्ट विक्ट्री इन योर लाइफ, लेकिन विनिंग योर पेशेंस, विनिंग योर टेनासिटी टू अचीव योर गोल इज द मोस्ट टफेस्ट वन. सो पेशेंस रख के, हार्ड वर्क करके आप ये बिजनेस में एकदम ड्रीम आंखों का सामने रख के काम करेंगे तो आप जरूर सक्सेस मिलेंगे. और विद दिस आई हैव टू फिनिश माय पार्ट, लेकिन लीडरशिप का और जो बड़ा बड़ा स्टेप है वो सुनने के लिए आई एम इनवाइटिंग माय कैम हस्बैंड शुभाशीष. ग्रेट, कुछ सीखने को मिला? आर यू रेडी टू लर्न समथिंग मोर? गुड. तो सुजाता ऑलरेडी जो कुछ शेयर किया है, जस्ट टू उसको स्टेप पॉइंट्स हम फिर दोबारा बताना चाहेंगे. आप कैसे 100% पीन आप अचीव कर सकते हैं, आपको तो आप तो सीख गया है. जस्ट टू रिमाइंड यू वंस अगेन, उसमें जो जो क्राइटेरिया है, जो हफ्ते में 3 से 5 प्लान दिखाना, ये आपका डिसीजन है ना किसी दूसरों का डिसीजन है? प्लान दिखाएंगे आपका डिसीजन है, सो इट्स इन योर हैंड, इट डजंट डिपेंड ऑन एनीबॉडी एल्स. सेकेंड इज लिसनिंग टू सीडीज, हर दिन हम सीडी सुनेंगे और उसके लिए सीडी प्रोग्राम में, एसओसीडी प्रोग्राम में हम आ जाएंगे, स्टैंडिंग ऑर्डर प्रोग्राम में. तो एक इसका डिसीजन है, सीडी चलाना और स्टैंडिंग ऑर्डर प्रोग्राम में आना आपका ही तो डिसीजन है ना, किसी के ऊपर तो डिपेंड नहीं होता है. बुक ऑफ द मंथ प्रोग्राम में आना और वो किताब हर दिन पढ़ना आपका डिसीजन है. फंक्शन में आना, स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रिटो पेन, बीबीएस, मेगा फंक्शन, अपलायंस मीटिंग, एवरी मीटिंग, टीम मीटिंग्स, एवरीवेयर उसमें आना, किसका डिसीजन है? आपको डिसीजन है. महीने में 100 PV का बिजनेस करना, मिनिमम 100 PV, किसका डिसीजन है? आपका डिसीजन है. और भी एक स्टेप है, ब्रिट वर्ल्ड वाइड का एक कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड, ब्रिट कार्ड, वो ब्रिट कार्ड बना लेना, एक फोटो आईडी कार्ड. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में एक परिचय पत्र होता है ना, हमारा भी एक है. सो इफ यू वांट टू बिकम ए लीडर, यू शुड हैव योर ओन ब्रिट कार्ड, बोथ ऑफ यू, इफ यू आर बिल्डिंग हस्बैंड वाइफ, बोथ द एप्लीकेंट्स. तो ये जो 6 चीज है, एक कोई भी काम किसी दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं होता है. और इसके साथ साथ और कैसे आप बिजनेस को बनाएंगे, मंथली काउंसलिंग विथ अपलाइन, अपलाइन के साथ कम्युनिकेशन जारी रखना, रेगुलर काउंसलिंग करना, बिल्डिंग द बिजनेस विथ इंटेग्रिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, बीइंग इन गुड स्टैंडिंग विथ ब्रिट वर्ल्ड वाइड एंड एम्बे एंड द टीम. ये सब किसके ऊपर डिपेंड होता है? आप ही का ऊपर डिपेंड होता है और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है. सो बिकमिंग 100% पीन इज एब्सोल्यूटली योर डिसीजन. सो बिकमिंग अ लीडर इज एब्सोल्यूटली योर डिसीजन. द बिजनेस स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. लेकिन जब आप 100% पीन का पूरा क्राइटेरिया आप कॉम्प्लाई करना करते चल रहे हैं, इसी टाइम आपका जो नेक्स्ट गोल है, इसके बारे में भी आपको डिसीजन ले लेना चाहिए और उसकी तरफ आपको काम भी चालू रखना चाहिए. व्हाट्स योर नेक्स्ट गोल? नेक्स्ट गोल इज गोइंग ईगल, एज सिंपल एज दैट. ईगल, ईगल का फर्स्ट क्राइटेरिया है यू हैव टू बी 100% पीन. इफ यू आर नॉट 100% पीन, आप तो ईगल नहीं बनेंगे, ठीक है. और उसके साथ साथ और भी कुछ जोड़ दिया है, आप जो वीकली 3 से 5 प्लान दिखा रहे हैं, इसमें क्या होता है, कोई आदमी आपको साथ जुड़ते हैं, ज्वाइन होते हैं, आपका ग्रुप बड़ा होता है, उसमें जो आदमी जोड़ते हैं, आप जैसे ब्रिट सिस्टम को साथ ऑलरेडी जोड़ गया है, आपको क्या गोल रहेगा, उनको भी सिस्टम को साथ जोड़ देना, मतलब उनको भी मीटिंग में लाना, उनको भी बुक्स पढ़ने का, किताब पढ़ने का, सीडी सुनने का आदत बना देना, जो आप कर रहे हैं उनको करने के लिए एनकरेज करना. बट इट विल नेवर हैपन दैट एवरीबॉडी विल स्टार्ट डुप्लीकेटिंग यू, देयर इज ऑलवेज अ लॉ ऑफ एवरेज. तो आप ऐसा प्लान देखने जा रहे हैं, अगर आप वीकली 3 से 5 प्लान दिखा रहे हैं, तो महीने में कितना प्लान होगा? कम से कम 12 से 20, पकड़ लो 15 प्लान अगर आप दिखा दिया है, उनमें कितना आदमी कम से कम ज्वाइन हो जाएगा? मिनिमम 3 to 4, 3 से 4 आदमी जोड़ गया है, हो सकता है उसमें से 1 से 2 आदमी आपको फॉलो कर रहे हैं, आप जो काम करने के लिए बोल रहे हैं वो भी कर रहे हैं. लेकिन ईगल का दूसरा क्राइटेरिया है, यू हैव टू बी मिनिमम 6 wide, आपको कम से कम 6 legs होना चाहिए, पर्सनली स्पॉन्सर्ड लेग, मिनिमम 6, मैक्सिमम 6 नहीं बोला है, मिनिमम 6.
और उसके साथ और क्या है, यू हैव टू हैव मिनिमम 6 legs टू फंक्शन. कोई भी फंक्शन, ब्रिट ओपन, बीबीएस, मेगा फंक्शन, अपलाइन का मीटिंग, जो भी है, आपको 6 legs उधर हाजिर होना चाहिए. 6 legs से कोई ना कोई. तो आप समझ सकते हैं, आप अगर 6 legs स्पॉन्सर किया है, देयर इज अ वेरी रेयर अपॉर्चुनिटी जो 6 legs ही फंक्शन में आएगा. सो नोबडी इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम स्पॉन्सरिंग सम मोर लेग्स, बट यू हैव टू ब्रिंग 6 legs टू फंक्शन. समझ गया है? तो उसके लिए अगर आपको 8 sponsor करना है, 10 करना है, 12 करना है, आपको करते जाना है, लेकिन यू हैव टू ब्रिंग 6 legs. इधर कोई है जिसको 6 legs ए फंक्शन में है, 6 legs इधर है? देखिए, फर्स्ट जो लीडर्स लोग है उनमें से कोई कोई आदमी हाथ उठाते हैं 6 legs, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है आपका और भी लेग है, वो हो सकता है दूसरा कोई स्टेट में बिजनेस बिल्ड कर रहे, ऐसा भी हो सकता है, बट यू हैव टू हैव 6 legs इन अ बीबीएस इन एवरी मंथ. नॉट दैट एवरीबडी हैज टू बी इन गुवाहाटी, मे बी दे कैन बी समवेयर एल्स. सो ब्रिंगिंग 6 legs टू फंक्शन. थर्ड इज, फंक्शन में आते हैं वो बिजनेस बनाते हैं, उनको बिजनेस को समझदारी आए है, बिजनेस में आए है क्यों, पैसा बनाने के लिए. नाउ इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प देम मेक मनी. तो पैसा कमीशन कौन लेवल से आते हैं? कम से कम 6%. तो आप जो 6 legs को फंक्शन में लाते हैं उनमें से कम 4 legs 6% नहीं तो उससे आगे पहुंच गया है. यू हैव टू हैव मिनिमम 4 check earning legs, मिनिमम 6% और अबव. तो क्या हम अभी तक बताए, यू हैव टू हैव मिनिमम 6 legs. सेकेंड इज, 6 legs को फंक्शन में लाना है. फॉर दैट इफ यू नीड टू स्पॉन्सर सम मोर लेग्स यू डू इट. और वो 6 legs से 4 legs कमीशन अर्न कर रहे हैं, ये भी आपको देखना है. ये तो हो गया है. इसके साथ साथ आपको डुप्लीकेटर ढूंढना है ना, दिस इज ए बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन. तो आपको कितना आदमी डुप्लीकेट करते हैं और कितने लेग्स में डुप्लीकेट होता है. देखिए, कोई भी पीवी इज गुड. हो सकता है आपको 2 legs अच्छी तरह बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं और 2 legs है वहां कुछ इंश्योरेंस वॉल्यूम मूव होता है, हो ही सकता है. दे कैन सेल सम गुड इंश्योरेंस एंड टू सेल इंश्योरेंस यू डू नॉट नीड टू बी हियर इन दिस बीबीएस. यू हैव टू टेक इंश्योरेंस ट्रेनिंग, दैट्स इट. अब जो इंश्योरेंस सेल कर रहे हैं वो फंक्शन में नहीं भी आ सकते हैं, वो किताब नहीं भी पढ़ सकते हैं, सीडी नहीं भी सुन सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं हमको अगर सस्टेनेबल ग्रोइंग बिजनेस बनाना है, हमारा ग्रुप में एडुकेशन का जरूरी सबसे ज्यादा है. उसी लिए 6 legs तो फंक्शन आते हैं, फंक्शन आना ठीक है, चलो फंक्शन में कुछ रिक्रिएशन भी है, कुछ आनंद भी है, बहुत सारे आदमी है, लेकिन जो घर में किताब पढ़ते हैं, घर में सीडी सुनते हैं, वो और भी सीरियस है. तो यू हैव टू हैव ये जो किताब पढ़ने का, सीडी सुनने का जो प्रोग्राम है, एसओपी, मतलब स्टैंडिंग ऑर्डर सीडी प्रोग्राम प्लस बुक ऑफ द मंथ प्रोग्राम, यू हैव टू हैव 4 legs ऑन स्टैंडिंग ऑर्डर प्रोग्राम. 4 legs में कोई ना कोई स्टैंडिंग ऑर्डर प्रोग्राम, मतलब बुक ऑफ द मंथ प्लस स्टैंडिंग ऑर्डर सीडी प्रोग्राम, इसमें है 4 legs. जो चेक एंड करते हैं दे आर ऑल्सो इन द एडुकेशन. और आपका पूरा ग्रुप में कम से कम 10 SOP है, 10 आपको लेके, मिनिमम 10 SOP. एसओपी मीन्स बुक ऑफ द मंथ प्लस स्टैंडिंग ऑर्डर सीडी प्रोग्राम. ऐसा आपको तो है क्योंकि आप तो 100% पिन है, और आपका ग्रुप में कम से कम 10 आदमी का है आपको लेके, एंड ऑल द 4 legs आर ऑन स्टैंडिंग ऑर्डर. और फंक्शन में कितने आदमी आते हैं? मिनिमम 15 आदमी, 15 आदमी, 15 heads. हो सकता है कोई हस्बैंड वाइफ दोनों ही आते हैं, कोई अकेला आते हैं. यू हैव टू मूव मिनिमम 15 function tickets. दीज आर द क्राइटेरिया. आप तो 100% पिन में तो है ही, लेकिन आपका ग्रुप में उसका डुप्लीकेशन होता है. जस्ट टू रिव्रश इट, यू आर मिनिमम 6 wide, यू हैव मिनिमम 6 function going legs, यू हैव मिनिमम 4 check earning legs, 4 legs आर ऑन SOP, यू योर सेल्फ एट 100% पिन, आपका पूरा ग्रुप में कम से कम 10 SOP है, और पूरा ग्रुप में कम से कम 15 function ticket मूव होता है, देन यू आर एन ईगल. गॉट इट?
इट्स योर इमीडिएट गोल. फर्स्ट गोल इज टू हिट 100% पिन. 100% होते होते आपका गोल ईगल है. सो यू हैव टू काउंट हाउ मेनी लेग्स आई कैन ब्रिंग टू द फंक्शन. लेग तो आते हैं, हाउ मेनी लेग्स को हम 6% लेवल में ला सकते हैं. दो लेग है, बड़ा बड़ा लेग 9% 12% है, लेकिन थर्ड लेग अभी तक 6% में है नहीं. आपका इमीडिएट गोल थर्ड लेग को 6% में लाना, उनको फंक्शन में लाना. थर्ड लेग है, फोर्थ लेग को लाना, क्योंकि हम तो बिजनेस में पैसा बनाने के लिए आते हैं. पर पैसा ज्यादा आएंगे जब आपका डिफरेंट लेग से बिजनेस होता है. समझ गया? दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर, राइट स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर मीन्स नॉट ओनली लेग्स एंड ऑल्सो एजुकेशन. एजुकेशन इज सो वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस बिजनेस. सो यू नाउ नो लॉट ऑफ थिंग्स. ए बिजनेस में भी सक्सेसफुल बनने के लिए देयर आर सम पावर्स, वी कॉल इट 3 पावर्स. वो क्या है? पावर ऑफ यूनिटी. फर्स्ट इज पावर ऑफ यूनिटी. देखिए इधर ऐसा यूनाइटेड क्राउड आप कहीं देख सकते हैं? इतने आदमी अभी भी खड़ा है, बैठने का जगह नहीं है. उधर लेडीज भी खड़ी है, कोई लेडीज जेंट्स इधर आपको स्टेयर्स में बैठा हुआ है. बट दे हैव नो रिग्रेट्स, दे आर नॉट अनहैप्पी बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ ए बिग टीम. दे नो वी आर मूविंग. इधर बहुत यूनाइटेड फील होता है ना? एक घर का अंदर वी आर वेरी यूनाइटेड. तो ऑलवेज रिमेन यूनाइटेड. नेवर थिंक अबाउट दिस इज माई टीम, दिस इज माई टीम. ऐसा थिंक दैट आई एम ए पार्ट ऑफ माई अपलाइन टीम, मीन्स अ बिगर टीम. योर अपलाइन इज अ पार्ट ऑफ अ बिगर अपलाइन टीम, बिगर टीम, बिगर टीम. देन वी फील सिक्योर्ड. अ बिग अम्ब्रेला उसके ऊपर आ गया है. और अल्टीमेटली वी आर ऑल पार्ट ऑफ दिस ब्रिट वर्ल्ड वाइड टीम, वर्ल्ड वाइड टीम. सो सिक्योर्ड. सो ऑलवेज बी यूनाइटेड. यूनिटी अगर रहेगा तो ब्लेसिंग्स रहेगा. पावर ऑफ यूनिटी, ट्रिमेंडस पावर. पावर ऑफ सबमिशन. सबमिशन मतलब वी हैव टू सबमिट आवर ईगो. ईगो इज गुड इफ इट इज पॉजिटिव ईगो, बट ईगो इज बैड इफ इट इज नेगेटिव ईगो. एंड हो सकता है हमको कुछ कामयाबी हमारा लाइफ में मिला है, दैट्स गुड, वी रिस्पेक्ट दैट. बट इन दिस बिजनेस यू हैव टू लर्न, एंड फॉर लर्निंग इट डजंट मैटर फ्रॉम हुम यू आर लर्निंग. मे बी ही कैन बी अ हाई स्कूल ड्रॉप आउट एंड यू कैन बी अ डॉक्टरेट, दैट डजंट मैटर. इफ ही नोज दिस सब्जेक्ट बेटर देन यू, यू शुड लर्न इट फ्रॉम हिम. ऐसा होता है, बहुत सारे होता है. आप बहुत सारे ऐसा सीडी डीवीडी लाइव प्रोग्राम डायमंड्स को आप सुनेंगे. जो डायमंड बन गया है ही इज नॉट ए मैट्रिकुलेट, लेकिन वो टीच करते हैं आईएएस को, आईपीएस को, डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को टीच करते हैं, क्योंकि उनको ए बिजनेस जानना जानते हैं वो. और उनको उनसे सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दे हैव जस्ट केप्ट असाइड देयर ईगो. ईगो बीच में हमको दीवार बन के खड़ा हो जाते हैं. उसीलिए वी हैव टू सबमिट योर ईगो, यू हैव टू सबमिट योर सेल्फ टू योर ग्रोइंग अपलाइन एंड टू दिस ऑसम ऑसम ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम. एंड फर्स्ट यू हैव टू सबमिट टू योर गॉड. एब्सोल्युटली सबमिट करने से क्या होता है, हमारा अपलाइन को अगर हम सबमिट कर दिया है, हम अगर बोल दिया है तुम जो भी बोल रहे हैं हम सब कुछ करने के लिए तैयार है, हम सब कुछ करेंगे, लेकिन देखना हम सक्सेसफुल जरूर बने. Then it becomes his responsibility to make you successful, to give you something extra. जो भी जानते हैं आपको देने के लिए तैयार है, क्योंकि वो सोचेंगे ये तो हम तो responsible बन गया है, वो तो हमको पूरा भरोसा करते हैं. So make your upline responsible for your success by submitting yourself to him. Third is power of spoken word. Just through speech we can change the whole world. जो रेगुलरली सिस्टम प्लाग करते हैं, जो रेगुलर किताब पढ़ते हैं, सीडी सुनते हैं, फंक्शन आते हैं, अपलाइन को मानते हैं, और उधर जो भी कुछ सीखते हैं उसको इंप्लीमेंट भी करते हैं, उनको बात सुनने से आपको पता चल जाएगा वो रेगुलर सीडी सुनते हैं. उनका मुंह से कभी कोई नेगेटिव वर्ड आएगा ही नहीं. अगर उनका लाइफ में कुछ रियल नेगेटिव चल रहा है वो कभी भी उसको स्पेल आउट नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं. He will always say in the positive way. जो आपको खराब चल रहा है
बोलने से क्या वो आसान हो जाएगा? कभी नहीं, वो डबल हो जाएगा। उसका उल्टा बोलिए, इफ यू आर हैविंग अ हेडेक, इफ एनीबडी आस्क यू कैसे चल रहा है, कैसे लग रहा है अभी, कैसे तुम्हारा हालत क्या है, ए सुबह से एकदम हेडेक चल रहा है, बोलने से क्या हेडेक चला जाएगा? अगर आपको देख के उनका ऐसा महसूस हो रहा है जो आपका तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, तुम्हारा कुछ हुआ है, नहीं नहीं आई वाज आई एम नाउ फीलिंग बेटर, आई एम नाउ फीलिंग बेटर इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, वही तो आप चाहते हैं। क्या चल रहा है वो नहीं चाहते है, वो बोलने से क्या वो निकल जाएगा? कभी नहीं। जो चाहते हैं वो ही बोलिए। आप क्या चाहते हैं बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए? अगर आप अटक गया है कोई लेवल में कुछ दिनों से, अगर किसी ने आपको पूछा है जो बिजनेस कैसे चल रहा है, अरे भाई बहुत कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन आगे तो नहीं चल रहा है, बोलने से क्या चलेगा? ऑलवेज से माय बिजनेस इज मूविंग, आई एम ग्रोइंग बिग टाइम, क्योंकि दैट इज योर एक्सपेक्टेशन। जो आप चाहते हैं वही बताइए। हो सकते हो अभी तक हुआ नहीं लेकिन वो होने वाला है, बिलीफ के साथ बोलिए। इसमें पावर है, ए पावर एक्सरसाइज करने के लिए आपको कुछ पैसा देके भरना नहीं पड़ेगा। दिस इज देयर, दिस इज इन योर ब्रेन, एवरीथिंग हियर। सो विल यू रिमेन यूनाइटेड, विल यू सबमिट योर ईगो, विल यू स्पीक व्हाट यू वांट बट यू डोंट हैव, नेवर स्पीक व्हाट यू हैव बट यू डोंट वांट, ऑलवेज स्पीक व्हाट यू वांट बट यू डोंट हैव। आपका नेक्स्ट गोल बताइए अभी। आई एम ए प्लैटिनम, अगर आप प्लैटिनम नहीं है, आपको गोल है प्लैटिनम जाना है, यू स्टार्ट सेइंग आई एम ए प्लैटिनम। अगर आपका गोल है ईगल जाना है, आप बोल दीजिए आई एम एन ईगल, आई एम एन ईगल, आई एम ईगल। जितना दफे बोलेंगे इधर प्रोग्राम होगा, आपको बिलीफ आ जाएगा, हाँ आई एम एन ईगल। इट ऑल इज विद इन योर स्पीच। तो ये तीन पावर को अगर आप सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे, आपको कोई भी रोक नहीं सकते है। एक्चुअली nobody can stop us if we don't stop ourselves. कब किसका बिजनेस से छुट्टी हो, जैसा रिकॉग्निशन के टाइम इधर का यहाँ का जो बहुत बड़ा लीडर सुब्रत चक्रवर्ती बोल रहे थे ना, जो क्विटर्स नेवर विन एंड विनर्स नेवर क्विट। ड्रीम से कभी मत क्विट कीजिए। अभी क्विट करने का कोई सवाल तो नहीं है, लेकिन ड्रीम से अगर क्विट कर दिया है तो आई एम डेड। देखिए हम भगवान के बारे में बहुत कुछ बोल रहे थे, we the human being is the best creation of God. ऊपर वाला इतने सारे जानवर इतने सारे प्राणी को जन्म दिया है, लेकिन एक ही प्राणी है ये धरती में जो ड्रीम देख सकते हैं। ड्रीम पावर एकमात्र मनुष्य के अंदर ही है, लेकिन वो पावर अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, so we are as good as an animal. So never dare to dream big, always dream. Set your goal, achieve it, reset it. Again, a bigger goal, bigger dream, always dream में रहिए। So you have already known almost everything जो आपको करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। You have learned lot of things, do you think so? So सब कुछ सीखना ही complete होता नहीं है जब तक आप वो भी नहीं सीखते क्या नहीं करना है। क्या करना है ये तो जानना जरूर चाहिए, क्या नहीं करना है वो जानना और भी जरूरी है। सो देयर आर सम कार्डिनल रूल्स, यू नो सिक्स कार्डिनल्स हम बोलते हैं। सिक्स कार्डिनल्स क्या क्या है? फर्स्ट इज नेवर 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 डू एनीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम विदाउट चेकिंग विथ योर ग्रोइंग अपलाइन। ए बिजनेस के लिए कोई भी काम छोटा काम भी ऐसा अपना हिसाब से मत कर लीजिए अपलाइन को पूछे बिना। और अगर अपलाइन आपको इनकार किया वो तो कभी मत कीजिए। नेवर डू एनीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम विदाउट चेकिंग विथ योर ग्रोइंग अपलाइन, सो वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज नेवर 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 पास एनी नेगेटिव टू योर डाउन लाइन्स और इवन टू योर क्रॉस लाइन। नेगेटिव बोलने से तो हम भी नेगेटिव हो जाएंगे, और अगर हम वो जहर है वो जहर अगर हम हमारा डाउन लाइन को देंगे तो वो भी नेगेटिव हो जाएगा, बिजनेस बर्बाद हो जाएगा, वो तो कभी करने का है ही नहीं। लेकिन क्रॉस लाइन को भी हम नेगेटिव नहीं देंगे, क्योंकि क्रॉस लाइन का बिजनेस को भी बर्बाद करने का हमारा कोई हक नहीं होता है। एंड अल्टीमेटली इट्स माय अपलाइंस बिजनेस, अल्टीमेटली ही विल बिकम नेगेटिव। सो इफ ही बिकम्स नेगेटिव हाउ कैन ही हेल्प मी? सो आई शुड नॉट आई कैन नॉट पास नेगेटिव आइदर टू माई डाउन लाइन्स और टू माई क्रॉस लाइन्स, कोई भी नेगेटिव। तो क्या करने का है?
If you are a big leader, if you are an emerging leader, you have to be a big shock absorber. और वो shock absorbing capacity आपको बढ़ेंगे जितना जोर से ताकत से आप ओब्रिट सिस्टम को अपनाएंगे, ये आपको shock absorber बना देंगे. और लेकिन अब तक अभी उतना बड़ा shock absorber नहीं बना है, no problem, share it only with your upline and that too in absence of others. हर एक को सामने नहीं है, कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस आपको हुआ है, हर एक को सामने आप बता दिया है, इट इज ऑल्सो पासिंग नेगेटिव. अलग से उनको पूछिए, पॉजिटिव वे से पूछिए. थर्ड इज नेवर 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 मेस अप विथ एनीबडीज मनी. दिस इज 100% कैश एंड कैरी बिजनेस, 100% कैश एंड कैरी. किसी को पैसा देना भी गुना है, लेना भी गुना है. And never indulge these things in your life and also in this business also. क्योंकि ये पैसे के कारण relation खत्म हो जाता है, ये business relation के ऊपर बनते हैं. और relation अगर एक बार खत्म हो गया है तो उसको जुड़ना बहुत मुश्किल होता है, होता ही नहीं है. तो पैसे के बारे में clear and simple, never give, never take and teach the same thing in your group. 100% cash and carry रहिए. फोर्थ इज नेवर मेस अप विथ एनीबडीज ईगो. हर आदमी को एक ईगो होता है, पॉजिटिव ईगो. वो ईगो को रेस्पेक्ट करना चाहिए. नेवर हर्ट एनीबडी. आपको कोई बात से किसी को हर्ट नहीं होना चाहिए. सो यू हैव टू बी अ मास्टर इन पीपल स्किल, जिसको हम बोलते हैं विदाउट हर्टिंग एनीबडीज ईगो हाउ टू ब्रिंग आउट द बेस्ट आउट ऑफ हिम, दैट इज पीपल स्किल. उसमें आपको मास्टर बनना चाहिए. कैसे मास्टर बनेंगे? थ्रू बुक्स, through CDs, through functions, through upline counseling, through association with positive people. जो बना रहे हैं उनको साथ ज्यादा associate कीजिए, आप master बन जाएंगे. And sixth is never, never, never embarrass your upline in front of others. आपका upline ऐसा भी हो सकता है आपका दोस्त है, बचपन का दोस्त. आप उनको साथ बहुत कुछ मजा किया है, jokes करते हैं, सब कुछ किया है, but now he is your upline. So you have to maintain a little hierarchy. अब दूसरों को साथ, ओ तो मेरा दोस्त है यार चल, ऐसा नहीं. तो because you are setting the example, you have to set it right. Upline को respect करना चाहिए. Never, never, never embarrass your uplines in front of others. So it was our responsibility to teach you how to succeed. And I hope we have done it reasonably good. Do you feel so? Now, what's your responsibility? किस्सा तो दो तरह से होता है ना. ताली तो बहुत अच्छा है, लेकिन main thing is moving on, taking a decision. अगर हम जानते हैं बहुत सारे आदमी बोलेंगे, लेकिन जब हम आज से एक साल, दो साल, पांच साल के बाद हम ए सेमिनार के बारे में आप में से सुनेंगे, आप में कोई आदमी हमको बताएंगे शुभाशीष that day I was in your seminar and that seminar I took the decision and today I'm a diamond, today I'm a successful man. That is the success. It's your decision. Just to finish it off, if you ask me what is the essence of success, agar business mein sachmuch humko kamyab, hum to sab kuch karte hain lekin humko abhi tak nahi mil raha hai, kya hame extra karna chahiye humko batao. I am ready to pay the price. Is there anybody like that? Absolutely. So if you ask me, I'll just try to sum it up with a small story. Aap ek jungle ke andar kho gaya hai. Ek dense forest. Itna dense, udhar rashmi bhi nahi aate hai. Aur dense forest ke andar aap kho gaya hai. Udhar bahut jangli janwar bhi hai. Aur aap bahar nikalne ka rasta aapko dhoond ke nahi mil raha hai. You are trying to go out, but you cannot find the road. तो आपका मन में डर आते हैं. तो अगर मैं हम यहां से निकल नहीं पाएंगे तो ये जंगली जानवर तो हमको खा के लेके चले जाएंगे. I can die. आपका डर आ गया है. और टाइम भी अगर सनसेट हो जाएगा कुछ भी नहीं दिखाई देगा. So you are trying to find the way out. तो आहिस्ता आहिस्ता आपको अचानक थोड़ा डेंस फॉरेस्ट, थोड़ा पतला नजर आ रहे हैं, थोड़ा लाइट ज्यादा आ रहे हैं, मतलब यू आर इमर्जिंग टुवर्ड्स द एंड. तो आपका मन में थोड़ा विश्वास आया है, आपको एक रोड मिला है, वो रोड
आपको जंगल का बाहर लेके जाते हैं, तो आप बहुत खुश है। रोड पकड़ के आप जाते हैं, आप देख रहे हैं जहां जंगल तो खत्म हो गया है और दूर में आपको एक बहुत बढ़िया एक प्रासाद, एक मैंशन आपको दिखाई दे रहा है। That is your destination. आप चाहते थे ऐसा ही हमारा लाइफ में भी होगा, इतना बढ़िया हमारा एक घर होगा, सब कुछ होगा, जो आपका ड्रीम है सब कुछ आप उधर देख सकते हैं। यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट जंगल, लेकिन जंगल से निकालने के बाद देखा है जो वो जो आपका मंजिल है और जंगल का जो एंड है, बीच में एक मेटल रोड है, चौड़ा रोड पिच से बना हुआ है, बिटुमेन से, और बाहर स्कॉर्चिंग सन, बहुत धूप, और वो धूप में पूरा पिच जल गया है, गल गया है, टोटली मेल्टेड, और आपका पैर में कोई जूता नहीं है, यू आर बेयर फुटेड। रास्ता कम से कम 200 फीट तो चौड़ा है। अब बहुत थक गया था वो जंगल में रोड निकालने में, बहुत थक गया था। अभी बाहर आके देखा जो इतना, तो आप थोड़ा इधर पैर दिया, पैर जल गया, कैसे जाएंगे आप? अगर नहीं गया, आपको जाने का दो ही रास्ता है, एक अंदर जंगल में जंगली जानवर आपको खा के चले जाएंगे, नहीं तो उधर आपका मंजिल है लेकिन बीच में रोड है, पैर नहीं दे सकते हैं, क्या करेंगे आप? किधर जाना चाहेंगे, मंजिल की तरफ ना जंगली जानवरों की तरफ? मंजिल की तरफ अगर आप ऐसा जाएंगे, एक दिन जरूर पहुंच जाएंगे, चलो क्या होगा, जल गया है आपका, हिम्मत चला गया है, अब नहीं नहीं इधर ही रहना ठीक है, इधर कम से कम तो पैर तो नहीं जल रहा था, हो सकता है हमको शेर आके खा के चले जाएंगे, लेकिन अभी तो खाया नहीं, इधर सेफ है, उधर बहुत जलता है, ऐसा होगा? लेकिन अगर आपका वो ड्रीम सचमुच स्ट्रांग है तो क्या करेंगे आप? हाँ, आप थोड़ा पीछे आएंगे, 1 2 3 थैंक यू, नाइस टॉकिंग टू यू।